साथ डॉली पांडे, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। भोपाल में नगर निगम का चुनाव होने वाला है, ऐसे में हम नगर निगम के अलग अलग विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। ऐसे में हम आए हैं नगर निगम के गोविंदपुरा विधानसभा के वार्ड नंबर 68 में। आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। चाची राम राम। क्या है आपके क्षेत्र की समस्याएं? पानी की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है जी, पूरा गंदगी की दिक्कत है, पूरा बदबू मारा थे। तो नगर निगम वाले साफ सफाई के लिए नहीं आते? नहीं आता है, कोई आता ही नहीं है। कोई नहीं आता है, पूरा गंदगी हमारे घर में पूरा भरा है। चाची आप बताइए। हमें भी रोड की समस्या है, पानी की है, लाइट बिजली की है जी, रोड की है जी, सड़क की समस्या, सड़क की बिजली की समस्या है, गंदगी पानी पूरा, कोई नहीं आता है। पूरा हमारे घर में पूरा गंदगी पानी भरे रही थे। अच्छा, वोट के समय सब आते हैं? ऐसा कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता वोट के समय, कोई नहीं, कोई नहीं आता देखने, कोई भी नहीं आ रहा देखने, बिल्कुल नहीं। अभी देखो कीचड़ हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, अभी तो निकलने का रास्ता नहीं रहेगा। ये देखो ना, रोड ना नाली बनी है, अभी बारिश होगी तब पानी भरेगा, उसमें हमारे बच्चे भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। टैंकर एक दिन आएगा तो चार चार दिन टैंकर नहीं आता। लाइट है तो बिल तो इतना था कि घर का 5-5, 10-10 हजार कुछ लाइट की जोड़ करते तो वो भी लोग रहते हैं, खाएगा कि बिल भरेगा। तो आप लोग अपनी समस्या किसी से बताते हैं? हमारा पार्सल है जो नरेले का, जो वहाँ जाते हैं तो वो बोलता है ना कि मैं तुम्हारा रोड बनवा दूंगा। रोड बनवाने के लिए बोला था 2 साल पहले, अभी तक रोड नहीं बना के दिया उसने। और बोले हम लाइट का ठेका नहीं लेके बैठे, हम लाइट नहीं देंगे, टैंकर जरूर हम पहुँचवा देंगे। तो टैंकर भी ऐसा पहुँचाता है कि 2-4 दिन के बाद में एक बार आता, 8 दिन में 2-3 दिन आता, गोल हो जाता है। फोन लगा तो फोन नहीं उठाता, बताओ हम कहाँ जाएंगे, नल कनेक्शन है नहीं है यहाँ पे। हम इधर बताइए क्या कह रही है। अरे एरिया इतना बड़ा है पर टैंकर नहीं पुर पा रहा हमारे इधर, टैंकर बिल्कुल नहीं पुर पा रहा है। और ये हमारे इधर का एरिया चल के देखिए आप, नाली इतनी ऐसी बह रही है, उसमें कीचड़ गंदगी बहुत ज्यादा, गंदगी हो रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें कूद जाते हैं, गिर जाते हैं, कभी खुदा ना खासता कोई कीड़ा का, और ना पानी मिल रहा है। हम आपस में लड़ते हैं, पड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हैं आपस में, 10 बर्तन पानी मिल रहा है, 8 बर्तन मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। कभी कभी आपस में लड़ाई हो रही है तो ना तो पार्षद सुनता, वार्ड में जाते हैं पार्षद कान से मोबाइल लगा लेता है और कुछ नहीं बोलता कभी भी। चाचा चाचा आप बताइए क्या कह रहे हैं। मैडम कृष्ण गौर जी ने मतलब ये योजना करी थी कि लॉकडाउन की बात है लॉकडाउन में कि सबका बिजली का माफ होगा। मैडम 15-15 हजार भरी हम गरीब लोगों ने, लेकिन कृष्ण गौर ने ध्यान नहीं दिया। तो आप लोग ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करते ही क्यों हैं? नहीं, मैडम ने बोला था कृष्ण गौर जी ने कि हमें पूरे बिजली का माफ लॉकडाउन का। कृष्ण गौर कभी आती है आपकी समस्याओं को देखने समझने? कभी नहीं आती है, कभी नहीं आती है। और यहाँ का पार्षद है, क्या नाम उसका, हरीश रेखा मिश्रा, आज तक नहीं आया। मैडम महापौर कौन है इधर का? महापौर है अपने कृष्ण गौर जी, कभी जिंदगी में ना देखने ही, और उसने घोषणा करी लाइट का भी माफ होगा, लेकिन हमारा 15-15 हजार भरिया लोगों ने, गरीब लोगों ने जी जी हाँ भैया, एक एक लोग महीने का 5-5 हजार रुपए बिल भरता है। कृष्ण गौर जी आती है, सिर्फ भाई की लाइट बिल माफ करवा देंगे, और पानी पानी के लिए टैंकर, रोड भी बेकार है, बारिश में निकलने नहीं, इसी जगह पे गौर साहब कह के गए इस कचरे को हटाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा, हाँ तो हम तो कचरो है, चलिए। हमने यहाँ के लोगों से बातचीत करा, उनकी समस्याओं को जाना, काफी परेशान और काफी दुखी हैं यहाँ के लोग, काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए क्षेत्र के नए लोगों के नए समस्याओं के साथ। नमस्कार, देखते रहिए द आजाद आवाज डॉली पांडे के साथ। भैया राम राम। नमस्ते, क्या नाम है आपका? वीरमलाल भाटी। आपके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं? समस्या क्या, आप देख रहे हो, आप बताइए। अच्छी समस्या है, काफी समस्या है बस। भैया राम राम। राम राम। आप बताइए। यहाँ पे नाली की समस्याएं, पानी की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं सारा। अब जैसे पट्टी की समस्या है, पट्टी भी नहीं मिले यहाँ पे, कुछ बहुत सारी समस्याएं। हाँ तो आप अपने विधायक जी से बताते हैं यहाँ की? हाँ जी, बहुत समस्याएं उनके ऊपर रखी, आप जो जीतेंगे उसके बाद ही निर्णय होगा कैसी वो है। कौन है इस क्षेत्र के विधायक? अभी विधायक तो वही विश्वास रंग जी। अच्छा अच्छा, क्या कहा उन्होंने? बोला होगा सब धीरे से होगा, एकदम से कौन होता है, सब धीरे पाई से होगा। ठीक ठीक। भैया आप बताओ अपनी समस्या बताओ, क्या इस क्षेत्र में? वही पानी है, नाली की समस्या है, और कोई नहीं। अच्छा, इस बार आप लोग क्या मन मना रहे हैं, किसको लाना है महापौर के रूप में, किसको देखना चाहते हैं, मालती राय जी को कि विभा पटेल जी को? मालती राय जी को। मालती राय जी को लाना। चलिए अच्छी बात है। भैया आप बताइए आप किसका मन मना रहे हैं? मालती राय। मालती राय जी का मन मना रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। नमस्कार,
देखते रहें द आजाद आवाज। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बने रहिए डॉली पांडे के साथ। नमस्कार।